जय हिंद। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल का 14 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके सभी प्रश्नों का सही उत्तर के साथ मैं इस वीडियो में आपको एनालिसिस कराने वाला हूं। इससे पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा चुका हूं। जिस भी कैंडिडेट्स ने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया था यदि अभी तक उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ कि आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं और अपना मार्क्स जान सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। मेनली ये वीडियो में आपको मैं सभी सौ प्रश्नों का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो आप अपना मार्क्स देख लें कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक ना। और उसके बाद इस वीडियो के कमेंट्स में आपको कमेंट कर देना है, विद कैटेगरी भी लिख देना है कि सर मेरा इतना नंबर आ रहा है और मेरा ये कैटेगरी है, जिससे मैं आपको एक टूल आने वाला हूँ सेफ स्कोर या कट ऑफ करके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 14 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं यदि उनका इतना नंबर आ रहा है कैटेगरी वाइज मेल या फीमेल में बताऊंगा, ठीक ना। यदि उनका इतना नंबर आ रहा है तो अपने आप को वो सेफ माने, उनको पीटी के लिए बुलाया जाएगा या यूँ कहे कि वो रिटर्न क्वालिफाई कर दिए जाएंगे, यानी रिटर्न क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, वैसे कट ऑफ के रिलेटेड मैं बहुत बड़ा वोटिंग करा चुका हूँ टेलीग्राम पे भी और आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी, ठीक ना। लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट करना है, तो थोड़ा सा यहाँ से भी मैं वो डाटा ले लूँ कि कितना लड़कों का नंबर आ रहा है। चलिए अगर बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न की, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है। तो अगर बात किया जाता है इसका उत्तर तो इसका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान होगा, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछ रहा है, और थर्ड पूछता है तो वो आपको बिहार हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या दो पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है आपको कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर इज बिलोंग्स टू। हियर आर सेंटर द होप्स एंड एस्पिरेशंस एंड फेथ ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस। तो इसका उत्तर आपको सिंपल है, फॉर्मल हो जाएगा, ठीक ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट उसका वो प्रश्न पढ़ूंगा और उसके बाद डायरेक्ट आपको मैं यहाँ पर आंसर बताऊंगा। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको सिर्फ उत्तर से भी मतलब है और अपना मार्क्स जांच कर ले कि आपका कितना नंबर आ रहा है। बाकी और डिटेल्स अगर आपको जानना है कि इस वीडियो का इस प्रश्न का उत्तर ये क्यों आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जिसमें भी आपको डाउट होगा मैं आपको वहाँ पर पर्सनली रिप्लाई भी कर दूँगा। चलिए अगर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का, जिसमें पूछा गया है कि मीराबाई की भक्ति कौन थी। तो आपको मीराबाई की भक्ति श्रृंगार भाव की भक्ति थी, कहीं कहीं भी माधुर्य भाव भी बताया जाता है, लेकिन अगर बात किया जाए 100% सही उत्तर का तो आपका श्रृंगार भाव होगा, ठीक ना। चलिए अगर बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि बम्बई में जो नाविक विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो आपको कब की गई थी। तो शुरुआत आपको 18 फरवरी 1946 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, ये पार्सेक इज द यूनिट ऑफ विच इज द फॉलोइंग। तो पार्सेक आपका यूनिट है डिस्टेंस का, यानी आपका दूरी का यूनिट है, लंबाई का, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका छठा प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन से यौगिक में मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको K-4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। मैंने सभी प्रश्नों को दो दो बार हल किया है और दो दो बार बनाया है, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, सभी प्रश्न का मैं उत्तर आपको सही बता रहा हूँ, ठीक ना। इससे आप मिलाकर अपना नंबर जान सकते हैं कि आपका कितना नंबर है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न का, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ भरना है, ठीक ना। पूछ रहा है, बोल रहा है कि कस्टमर्स मे प्रोवाइड यू विद देयर कॉल नंबर एट वन पॉइंट बट दैट डज नॉट ग्रांट यू द राइट टू टेक्स्ट देम, ठीक है। देयर हैव एक्चुअली बीन प्लेंटी ऑफ लास्ट सूट्स रिजल्टिंग फ्रॉम, यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स माना एडवर्टाइजिंग विदाउट परमिशन। तो इसमें डायरेक्ट सा आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट मैसेज, ठीक ना। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर इसका बता दे रहा हूँ। अगर बात किया जाए अगला प्रश्न कि मीराबाई किस काल की कवयित्री थी, ये सबको मालूम है कि वो भक्ति काल की कवयित्री थी, इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या आठ का। चलिए अगर बात करते हैं अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या दस, नौ क्या है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन बिलो। तो मैं इसको अभी नहीं देखा हूँ, शायद ये छूट गया, तो चलिए मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 का, जिसमें बोला गया है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न का बात करते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें पूछा गया है चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तन किया गया है। तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1994। चलिए अगला बात करते हैं अगला प्रश्न का, जिसमें पूछा गया है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं आपको मेटासेंट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 13वां, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 13वां प्रश्न का न्यून सह संयोजी। किसी किसी ने आपको आणविक बताया है लेकिन मोलिकुलर नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कोवेलेंट हाइड्राइड होगा, इसका 100% सही उत्तर आपका न्यून सह संयोजी है 13वां प्रकार। चलिए अगर बात करते हैं हम लोग 14वां प्रश्न का, जिसमें पूछा गया है आपको
कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों के पतियों का उल्लेख करता है, तो आपका हो जाएगा यजुर्वेद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बार रखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोला गया है एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है, यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब का अधिक मान P2 है, तो आपको क्या हुआ था। इसका उत्तर आपका 15 होगा, का ऑप्शन नंबर सी होगा, T2P1 = P2, इसका उत्तर आपको ये होगा, तो आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी, तो आपका हो जाएगा अशोक मेहता समिति, जिसने द्विस्तरीय आपको बताया था, और जो था वो बलवंत राय मेहता समिति, उसने त्रिस्तरीय बताया था, ठीक ना। चलिए अगर बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, जिसमें भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों किसके नाटक हैं, तो सबको मालूम है कि आपको भारतेंदु हरिचंद्र के थे। फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन ये सेकंड शिफ्ट में थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है, मतलब इसमें पढ़ने वाला लड़का 50-60 क्वेश्चन मार सकता है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में तो मैं क्या बताऊँ, वहाँ पर आपको IAS IITN और सब बना दिया गया है आपको, ठीक ना। चलिए अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 18, जिसमें पूछा गया है जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, तो जिंदगी नामा अगर उपन्यास का बात किया जाए तो वो कृष्णा सुबेती, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 19, जिसमें पूछा गया है यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति का लोच का मान क्या होगा, तो इसका आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 का, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 20वां का सी, उसने कहा था, ठीक। आप मिलाते हुए चलेंगे कि आपका कितना नंबर आ रहा है और आपका आपने कौन सा टिक किया है वहाँ पे, यानी गोला भरा है कौन सा ऑप्शन। चलिए अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 21, जिसमें पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, तो वो आपको थी आपको 18, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, इन मोनोपोली द सप्लाई कर्व इज, तो देखिए मोनोपोली में सप्लाई कर्व आपका होता है, यानी प्रश्न क्वेश्चन संख्या 22 का उत्तर हो जाएगा डज नॉट एग्जिट, यानी जो मोनोपोली में हो है वो अगर उसका सप्लाई कर्व का बात किया जाए तो वो आपको अस्तित्व में नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी अस्तित्व में नहीं होता, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 23 का, जिसमें पूछा है कि चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला है, तो 23वां प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 24, इसमें पूछा गया है कि किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो लगभग सभी एग्जाम में पूछता है, तो 24 का आपका हो जाएगा हेगल, ठीक ना। चलिए अगला बात करते हैं अगला प्रश्न पूछा है कि आपको कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है, तो गंगा बेसिन का भाग राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, लेकिन आपको पंजाब गंगा बेसिन का भाग नहीं है, तो आप यहाँ पर 25वां का आप उत्तर सी होगा। चलिए अगला बात करते हैं इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा, तो 26वां प्रश्न का अगर उत्तर बात किया जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यह आप देख सकते हैं। चलिए अगर बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट 27वां प्रश्न का, जिसमें आप रेसिस्टेंस से रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया है, यदि इसको आप हल करेंगे तो इसका आपका उत्तर होगा 20 ओम। मैं डायरेक्ट डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ, इसलिए कि वीडियो लंबा ना हो। फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इस जो सेकंड शिफ्ट का है मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। और अपना मार्क आपको जानना है कि आपका कितना नंबर आ रहा है, और उसके बाद आपको कमेंट्स कर देना है, और बाकी मैं आपको सेफ स्कोर या कट ऑफ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आपको जरूर देखना है और अपना वो जानना है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं कहना भूल गया था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 28, जिसमें बताया गया है प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन है, तो वो NH3 यानी गैसीय अमोनिया लिया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा 28 का। चलिए अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 में, जिसमें पूछा गया है आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितना हो जाएगा +7, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी 29 का बी हो जाएगा। चलिए अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 का, जिसमें पूछा गया है आपका वही कि एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो अगर द्वितीय अगर बात किया जाए तो वो है आपको महाराष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर बात किया जाए आपको अगला प्रश्न, तो जिसमें पूछा है कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, तो दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा किसका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशल्या वैश्यत्री का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीन ही तो रुपए हैं दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, इस यह कथन किसका है, तो ये आपका कथन है सी, यानी मुन्नी का है कथन, इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 33, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्समक फलन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 33 का डी उत्तर हो जाएगा, यानी FX = X, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 34 में बोल रहा है कि हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो
ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया से आपसे व्यापार से संबंध रखते थे। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 35 जिसमें बोला गया है राजपूत काल में निम्नलिखित में कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई थी, तो फर्स्ट शिफ्ट में भी ये पूछा गया था, वही आपको हुबहू यहाँ डाल दिया गया है, वो है आपको कायस्थ, ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के 2020 से 2021 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है, तो इसका आपका उत्तर देखने को मिलेगा, यानी 36वां प्रश्न का उत्तर 2.97% यानी बी इसका उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फाइलोक्लेड, यानी पड़ाव स्तंभ का उदाहरण क्या है, तो वो आपका हो जाएगा ओपंटिया यानी नागफनी, ठीक ना, ओपंटिया इसको बोलते हैं। चलिए अगर बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 38 का जिसमें आपको पूछा है कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो वो आपको इबोला हेमरेजिक बुखार है, ठीक ना, इबोला हेमरेजिक फीवर आप मच्छर काटने से नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित कोयला खानों में कौन से मध्य प्रदेश राज्य का में स्थित है, तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य में सबसे मतलब विख्यात कोयला खाना का नाम है सिंगरौली, सुने होंगे आप, नाम जानते भी होंगे, तो ये आपका सिंगरौली हो जाएगा, सिंगरौली। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 40 जिसमें बोला गया है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या था, तो बिहार सरकार के युक्ति योजना का उद्देश्य था कि सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न का जिसमें पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। वैसे देखिए उपराष्ट्रपति के आपको निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य नहीं होते, सभी सदस्य लेते हैं, वहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन में वहाँ पे निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन वहाँ पे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में बात किया जाए तो सभी सदस्य होते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा, ठीक ना। चलिए अगर बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 42 का, प्रश्न संख्या 42 का, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ब्रिंग, ठीक ना, ब्रिंग 42 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए बात करते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए कि 12 मिनट का हो भी गया वीडियो। चलिए प्रश्न संख्या 43 बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है, यानी दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, यानी इसका आपको उत्तर बताना है, ट्रांसलेट करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक ना, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला बात करते हैं, बोला गया है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है, तो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको ये मालूम होगा, ठीक ना, ऑप्शन संख्या एक आपको उत्तर होगा। चलिए अगर बात करते हैं आपको 45वां क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं यानी वायदा बाजार कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। चलिए 46वां प्रश्न पूछा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे, तो वो थे आपको निजामुद्दीन औलिया, ये भी एक सिंपल सवाल है जिसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 जिसमें कि आपको ये पूछा गया है, इसका उत्तर आपको हो जाएगा, इसको हल करने पर आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, ठीक ना। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 48 जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन से राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है, तो इसका आपका प्रश्न संख्या 48 का उत्तर हो जाएगा ओपेनहाइमर, ठीक, समर्थक है, सॉरी, बोला है कि निम्न से कौन से राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है, तो इसका वो कौन समर्थक है, ओपेनहाइमर, इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी लिथियम उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया यूनो का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था, तो वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, यानी जो भी सैन फ्रांसिस्को का वो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी में आपको इसका तैयार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या आपको 51 जिसमें बोला गया है कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है, तो वो है सिल्वर यानी रजत, जिसको रजत हिंदी में बोलते हैं, वो सिल्वर चांदी, जिसको भी जो भी आप बोल सकते हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 52 जिसमें आपको बोला गया है कि दिए गए रेखाचित्र में सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति यानी MPC बताना है, इसमें MPC क्या हो रहा है, एक तरफ उपभोग और एक तरफ आपको राष्ट्रीय आय दिया है, तो प्रश्न संख्या आपका 52 का उत्तर हो जाएगा कि इसमें आपका राइजिंग यानी बढ़ रही है MPC, यहाँ पर आपको बढ़ रही है, ठीक ना, यहाँ पर अगर ऐसे होती MPC ऐसे तो घटती। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए जिसमें बोला गया है आपको ये बहुत बड़ा पैसेज टाइप का दिया है जिसमें आपको पूछ रहा है में, तो मैंने इसको देखा, तो इसका उत्तर आपको हो सकता है, कौन सा प्रश्न है, तो ये आपका है 53वां प्रश्न, 53वां प्रश्न का आपका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, मदर्स लूजिंग देयर आइडेंटिटी, ठीक ना, तो इसका उत्तर आपको बी होगा। चलिए अगर बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 54 का जिसमें आपको ये बताना है कि ऑफ द गिवन कैटेगरीज विच स्केल ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर्स डज द गिवन एग्जाम्पल फॉल इन टू, एग्जाम्पल वुड यू ऑल प्लीज गो अपस्टेयर्स राइट अवे, तो देखिए इसका अगर उत्तर बात किया जाए तो ये इसका भी उत्तर एकदम सिंपल है, 54 का आपका फॉर्मल उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं
पूछा गया है। अगला एकदम सिंपल प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो ये सबको मालूम है कि डिस्टेंस का इकाई यानी दूरी के मात्रक है। चलिए एक और पैसेज दिया है जिसमें देखिए इतना बड़ा पैसेज दिया है और सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, मतलब ये क्या किया सी एस बी सी, मतलब क्या मैं बताऊँ। चलिए देखिए यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द अदर्स मेन पर्पस इन द पैसेज, तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का यानी प्रश्न संख्या आपको 56 है, तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। यहाँ आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 57 प्रश्न का, 57वां क्वेश्चन क्या है, बोला गया सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो सूचकांक के बारे में आपको ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 58 का जिसमें पूछा गया है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको ये सी ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 59 जिसमें पूछा है कि यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय में किसके द्वारा हटाया जा सकता है, यानी उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है यदि उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाया जाएगा तो वो किसके आधार पर किया जाएगा, तो अगर उस दोनों सदनों के विशेष बहुमत पर किया जाता है यानी संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत पर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 59 का। चलिए बात करते हैं 60 का, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ, आप सिर्फ उत्तर मिल लाते चलिए, ठीक ना, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा ना हो। बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 61 में जिसमें पूछ रहा है इसका उत्तर क्या होगा, इसका कौन सा आपका डायग्राम होगा, तो वो वर्ग पिरामिड ये होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 62 का, इसका अगर उत्तर देखा जाए तो द टोल्ड मैन किक्ड द बकेट, तो इसका हो जाएगा द ओल्ड मैन डाइड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 62वां का उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन नहीं देती है, यानी हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, तो उसका आपका उत्तर हो जाएगा CU यानी कॉपर का, ठीक है ना। चलिए अगर बात करते हैं अगला प्रश्न 64 का, तो यदि इसको आप हल करेंगे तो इसका 99 आएगा और 2 जोड़ देंगे यानी 101 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 64 का उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न 65 का जिसमें बोला गया है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का क्या होता है, इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं जिसको निर्जलीकरण हिंदी में बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे इंग्लिश में सही है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ पेरेस्टोरिका, यहाँ पे पेरेस्टोरिका का क्या आशय था, ठीक ना। तो इसका आपका 66वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुनर्निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 67 जिसमें पूछा गया है कि यदि एक्स वस्तुओं का मूल्य वाई रुपया हो तो जेड वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, तो इसका ये सिंपल सा ये भी सवाल है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा YZX रुपया, ठीक ना। ये बहुत सारे यूट्यूबर इसको नहीं बताएं, बोल रहे हैं कि गलत क्वेश्चन है, ठीक ना, जबकि देखिए मैं आपको सिंपल से बता दे रहा हूँ। यदि मान लीजिए कि एक्स वस्तु का आपका मूल्य वाई है, मैं यहाँ पे इसको वो सोल्यूशन कर ही दे रहा हूँ, यदि एक्स वस्तुओं का आपका मूल्य वाई रुपया है, तो यदि बात किया जाए कि एक वस्तु का मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का, तो एक वस्तु का बात किया जाए तो आपको वाई बटा एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई बटा एक्स, और वही पूछ रहा है कि जेड वस्तुओं का, तो यहाँ जेड से गुना हो जाएगा तो वाई जेड बटा एक्स वही हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सारे को नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको वाई जेड बटा एक्स। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 68 जिसमें पूछा गया है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, उस समय सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक ना, आपको 9 दिसंबर को, और वही 11 दिसंबर को आपको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक ना, ये आपको सबको मालूम है। चलिए अगला बात करते हैं आपको प्रश्न संख्या 69 में पूछा गया हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के आपको 2 अपरूप हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 70 में है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य आपका है ऑप्शन नंबर इसका 70 का उत्तर होगा विलंबित भुगतान का आधार, विलंबित भुगतान का आधार। बहुत सारे मूल्य का माप बना है यूनिट ऑफ अकाउंट, लेकिन यूनिट ऑफ अकाउंट का नहीं है, उसका मूल्य यानी जो भी प्राथमिक कार्य अगर बताया जाए तो विलंबित भुगतान का आधार उसका प्राथमिक कार्य होता है। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 71 जिसमें आपको ये पूछा गया है कि यदि एक्स और वाई प्राकृत संख्या है तो एक्स प्लस वाई बराबर 2 कब होगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 2 इसलिए होगा जब एक्स और वाई बराबर होगा, यानी यदि एक एक्स का मान रखेंगे और वाई का मान रखेंगे एक एक तभी तो बराबर होगा, और अलग अलग मान रखेंगे तो बराबर कभी नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अगला बात करते हैं यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 72 का जिसमें पूछा गया है, तो इसका आपको उत्तर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 72 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवर्तक वातावरण की विशेषता है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 73 का बात किया जाए जिसमें बोल रहा है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राकलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी एस्टिमेट्स कमेटी का कार्यकाल कितना होता है, जो भी वहाँ पर मेंबर होते हैं उसके, तो उसका ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी एक वर्ष उसका कार्यकाल होता है, 73 का डी। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 74 का जिसमें बोला गया है कि राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी उसका उत्तर हो जाएगा, यानी 74 का आपका उत्तर होगा प्रकृति से तुलनात्मक।
चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 75, जिसमें बोला गया है कि कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है। तो आपका सबसे कम आपका बेसिक है MgOH2। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 76, जिसमें बोला गया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में वनाच्छेदित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है। यदि द्वितीय न्यूनतम पूछा है यानी सबसे सेकंड डाउन पर पूछा है, तो आपका प्रश्न संख्या 76 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पंजाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, चलिए इधर आइए। चलिए 77वां प्रश्न, जिसमें पैसेज दिया गया है, ये बहुत बड़ा पैसेज है। यदि इसको पढ़कर आप बात की जाए कि इसका आंसर कौन सा होगा, यानी 77वां कौन सा प्रश्न है, ये 77वां का आंसर कौन सा होगा, तो इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेफर पैसे टू एक्टिव वॉइस। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि 2019 से 2020 में भारत में सेवा क्षेत्र की संवृद्धि दर का आकलन क्या है। तो इसका आपको उत्तर 78 का होना चाहिए, 6.9%, यानी सी इसका उत्तर होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न 79वां, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया है, जब एक पारदर्शी पट्टिका पर अध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो अपवर्तित किरणें पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। पट्टिका का अपवर्तन गुणांक एवं परावर्तन कोण का मान क्या है। तो इसको हल करने पर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा उत्तर, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। यदि बात करते हैं प्रश्न संख्या 80 का, इसको हल करने पर कितना ये आंसर आएगा, तो इसको हल करने पर आपको ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको 60 आएगा। चलिए बात यानी 80 का आपका प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ठीक ना। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न 81वां, जिसमें मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं यानी हड्डी के बारे में पूछा गया। तो सबको मालूम है कि आपको कितनी होती हैं, 206। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 82 का, यदि इसको हल करने पर, तो इसको हल करने पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी बी इसका आंसर होगा 82वां क्वेश्चन का। चलिए प्रश्न संख्या अब 83 हम लोग देखते हैं, 83 क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं। तो 83वां प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा अरिकमेड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 84, जिसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन, जिसका आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 0, ये सबको मालूम है। चलिए अगर बात करते हैं आपको प्रश्न संख्या 85 का, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियां वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो इसका आपको 85 का ऑप्शन नंबर सी इवर जेनिंग्स उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं, अब लगभग 15 क्वेश्चन बच गया है। बात करते हैं अगला प्रश्न 86वां क्वेश्चन, जो जिसमें पूछा गया है लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। तो लाल किताब आपको विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं को, यानी जो भी विलुप्त हो चुके हैं उसके रिलेटेड आपको लाल किताबें उपलब्ध होती हैं। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 87, जिसमें पूछा गया है यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारण इसमें पूछा गया, वैसे सभी कारण थे, देखिए सभी कारण थे, लेकिन प्रमुख कारण का बात किया जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोधता, यही आपका प्रमुख कारण था, ठीक ना। बहुत सारे आपको अलग अलग ऑप्शन बताए होंगे, लेकिन यह प्रमुख कारण आपको ऑप्शन नंबर डी था। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 88 का, जिसमें कि आपको ये हल करने पर आपका क्या है, तो ये मेरा क्या रहा था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी में कोई एक आ रहा था, मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा है, मैं आपको कमेंट्स में उसको बता दूंगा। चलिए ये ए या दो, ए या बी में अगर आप कोई भी टिक किए होंगे तो आपका सही हुआ होगा। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 89 का, जिसमें पूछा गया है कि अहो कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन थी। तो 89 का आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, केवल अपनी केवल धार, ठीक ना। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है। तो 90 प्रश्न का सबको मालूम है कि आपको सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न बात किया जाए 91 प्रश्न का, तो ये आपको इंटीग्रेशन है, जिसको हल करने पर आपका ऑप्शन नंबर 91 का उत्तर आ जाएगा बी, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 92, जिसमें टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो वो होता है लाइकोपिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न 93वां क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है। तो देखिए इसके लिए मुझे गूगल से सर्च करना पड़ा, यह मतलब बहुत थोड़ा सा पेचीदा सा सवाल है, ठीक ना। तो यदि बात किया जाए ऑप्शन के अनुसार कि इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर हो सकता है अंधेरे बंद कमरे, इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, बोला गया है निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उपाधि के रूप में देखता है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 94 का लास्ट की, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, पूछा गया है कि केंद्र के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी यानी हेमोटाइजिलिन का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए
अब शेष 5 क्वेश्चन बच गए हैं, जल्दी जल्दी उसको देख लेते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। और अपना मार्क्स जानकर अपना इस वीडियो को कमेंट्स में आपको कमेंट्स करना है, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 96, जिसमें बोला गया कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था। तो यदि बात किया जाए कि ये शब्द किसने दिया था, तो 96 का आपका ऑप्शन नंबर वाल्टर रोजन ने ये शब्द दिया था। चलिए अगला प्रश्न 97 है, तो अगर 97 का बात किया जाए तो इसको हल करने पर आपका ऑप्शन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर डी यानी 8 माइक्रोफेराइडे इसका उत्तर रहेगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 98 का, इसमें पूछा गया है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो वो है आपका आयरिस, जिसको हम लोग परितारिका हिंदी में बोलते हैं, यानी इसका नंबर डी उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 99 का, ये पूछा है कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ कौन सा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सुबेरिन उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन और इस शिफ्ट के सबसे अंतिम क्वेश्चन 100वां प्रश्न का, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह कौन सा राज्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। तो आपने सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिया, मिला लिया, एक दो शायद एक सवाल छूट गया जो पैसेज का मैंने देखा नहीं था, ठीक ना, शायद छूट गया था, मैं जब पीडीएफ पढ़ा था और जब सबका हल किया था तो छूट गया था, तो मैं उसको आपको कमेंट्स में बता दूंगा, और एक दो प्रश्न जो जिसमें डाउट था मुझे उसका भी मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, ठीक ना। आप अपना नंबर्स मिलाकर मार्क्स मिलाकर वीडियो कमेंट्स में कर देना है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।